That was just only a way to welcome you guys on this video. What's up guys, welcome back. आप देख रहे हैं FitMuscle TV. आज का वीडियो जो आपने टॉपिक पढ़ा, वैस्कुलर इन जीरो रुपीज, क्या आपने अपना फिर से कटवा लिया एक बार? जानने के लिए देखते रहे वीडियो, हम मिलेंगे उस पार. FitMuscle TV will be back. Hey guys, what's up? Welcome back. आप देख रहे हैं Fit Muscle TV. आज का वीडियो कर रहे हैं Vascularity in 0 rupees. Hey wow man. Actually this topic जो heading आपने पढ़ी clickbait है कि नहीं है? Clickbait bait मुझे नहीं पता, but this is not true. आज तक ऐसा हुआ है कि हर चीज में आपको बताता हूँ ये सप्लीमेंट केमिस्ट शॉप से, ये केमिस्ट शॉप से, वो लीजिए. आपका खर्चा होता है 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, बट आप कुछ पे करते हैं. इस वीडियो में 0 रुपीज, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है. आपको 0 रुपीज नहीं लगेंगे, उल्टा आपको कुछ मिलेगा. आपकी वैस्कुलरिटी भी बढ़ेगी और आपको कुछ मिलेगा. चौंक गए मोहल्ले वालों. Guys, before I start this video, I want to pass on an important message to you. एक guys foundation है, Love for Buddha Foundation, जो कि animals को, stray animals को बहुत help करती है, support करती है. I'll mention the description, in the description box सारी details दे दूंगा, especially जो लोग दिल्ली में है. अगर आप देखते हैं कि आपके एरिया में कोई स्ट्रे डॉग है, काउ है, या कोई भी पक्षी जानवर है जिसको help की जरूरत है, जिसका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसका खून निकल रहा है, रास्ते पड़ा है, प्लीज गिव दिस गाइज अ कॉल और वो उस पेट की टेक केयर कर लेंगे. नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. हैट्स ऑफ टू दिस गाइस और मैं इनका सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. नंबर टू इन्फॉर्मेशन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं. प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द लाइक बटन. प्लीज 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 डू इट. आई वेस्टेड लाइक 10 मिनट्स जस्ट टू मेक दिस. ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वैस्कुलैरिटी. वैस्कुलैरिटी में मैं जाऊंगा, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बट जो मेरा मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा. सो डोंट स्किप द वीडियो. मैं बाकी पॉइंट जो है, जो आपको पता है, मैं बहुत जल्दी ही उनको कवर करूंगा, फटाफट करूंगा. वैस्कुलैरिटी क्या है गाइस? इट इज द पंप जो आपकी वेन्स दिखती हैं बाइसेप में, ट्राइसेप में, आपकी चेस्ट में, शोल्डर में. सो वेन्स आपकी बॉडी के ऊपर होती हैं, मतलब कि स्किन के जस्ट नीचे होती हैं. सो वेन्स एंड आर्टरीज, आर्टरीज कैरी फ्लश ब्लड, वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, फिर हार्ट उसको लंग में प्योरीफाई करता है. तो वो साइंस उसके अंदर नहीं जाएंगे, बस कैसे बढ़ाना है आज उसको डिस्कस करेंगे. सो गाइस, वैस्कुलैरिटी डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. नंबर वन थिंग जो हम उस पर ध्यान देंगे जो कि है ब्लड वॉल्यूम. अगर आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आपकी वैस्कुलैरिटी ज्यादा होगी. पॉइंट्स जो मैं इसमें कवर करना चाहता हूं, मैं बस मेंशन करूंगा, डिस्कस नहीं करूंगा. नंबर वन, लो बॉडी फैट लेवल सबको पता है, आई विल नॉट गो इनटू इट. बॉडी फैट लेवल आपका लो होना चाहिए, स्पेशली बिलो 12% होना चाहिए इफ यू वांट टू सी गुड वैस्कुलैरिटी. नंबर टू पॉइंट इज मस्कुलैरिटी. अगर आपके पास मसल नहीं है, भले ही आप पतले दुबले हैं, लेकिन मसल मास नहीं है आपके पास, तभी भी आपकी वैस्कुलैरिटी नहीं आएगी. नंबर थ्री पॉइंट इज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम. इफ यू हैव, सर्दियों का टाइम है, बहुत लोग कंजूसी करते हैं पानी पीने में, अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका जो बॉडी है पानी तो उसको चाहिए, तो वो ब्लड में से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, आपका ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा लो हो जाएगा और आपको जिम में पंप अच्छा नहीं आएगा. नंबर थ्री, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सॉल्ट. बहुत लोग सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सॉल्ट, बिकॉज जैसे ही आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपका एल्डोस्टेरोन लेवल हैम्पर हो जाता है. एल्डोस्टेरोन लेवल आपका कंट्रोल करता है कि बॉडी कितना सॉल्ट होल्ड करेगी, एंड दैट मेसेज अप एवरीथिंग. सो डोंट डू इट. वन मोर थिंग जो कि टेम्परेरी होता है, जो बहुत बॉडी बिल्डर्स करते हैं, सन बाथ लेते हैं. जैसे सन बाथ लेते हैं आप, तो आपकी वैस्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है. उसमें दो प्रॉब्लम है. नंबर वन प्रॉब्लम, एक तो वो टेम्परेरी जुगाड़ है. नंबर टू प्रॉब्लम होता है क्या, उसका फंडा क्या है, जैसे ही आप हीट करते हैं या किसी बॉडी पार्ट को हीट करते हैं, आप ब्लो ड्रायर से हीट करते हैं, अगर आप एक बॉडी पार्ट की वैस्कुलैरिटी चाहते हैं, इट इज गुड, इट वर्क्स, बिकॉज वो एरिया हीटअप हो जाएगा, वहां पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, बॉडी ठंडा खून भेजेगी उस एरिया का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जिसको बोलते हैं हम थर्मोजेनेसिस, बिकॉज बॉडी वॉन्ट्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एक सर्टन लेवल पे. तो जैसे आप एक बॉडी पार्ट को हीट करते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, वैस्कुलैरिटी बढ़ जाती है. उसके साथ प्रॉब्लम ये है, अगर आप पूरी बॉडी को हीट करेंगे तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती, बिकॉज बॉडी कहाँ कहाँ खून भेजेगी, खून लिमिटेड है. सो दैट इज गुड फॉर अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट और अपर बॉडी और चेस्ट और समथिंग लाइक दैट. अगर आपकी ऊपर वैस्कुलैरिटी कम आती है, आप ऊपर सनबाथ ले लीजिए, गुड फॉर दैट, नॉट फॉर एंटायर बॉडी. अब आते हैं अपने हम मेन टॉपिक पे जिसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं मैं, कि 0 रुपए में कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं वैस्कुलैरिटी. वो
वॉट इज़ वैस्कुलरिटी? इट इज़ ब्लड वॉल्यूम बेसिकली. अगर मैं बात करूँ कि जो लोग कॉम्पिटिशन लड़ते हैं, कॉन्टेस्ट लड़ते हैं, उनकी क्रेजी वैस्कुलरिटी होती है बिकॉज उनका बॉडी फैट लेवल, उनकी हाई मस्कुलरिटी है और एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर देम एंड ऑब्वियसली दे आर टेकिंग गियर. गियर क्या करती है? इट कैन बी एनी टाइप ऑफ गियर. मोस्टली पीपल से कि गियर लाइक इक्विपॉइस से वैस्कुलरिटी बहुत बढ़ती है. उसके पीछे की साइंस क्या है? वैन यू टेक एनी टाइप ऑफ गियर और परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स, सो वो क्या करती है, एक सिग्नल भेजती है आपकी बोन मैरो को. एनी टाइप ऑफ ड्रग दैट विल सेंड अ सिग्नल टू योर बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर रेड ब्लड सेल्स. सो वैन यू हैव मोर रेड ब्लड सेल्स, आपकी ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, आपका ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा. ऑब्वियसली बिकॉज वैन यू होल्ड ऑन बहुत सारा मास, आप मसल होल्ड ऑन करते हैं, सो उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है. आपके ब्लड में बहुत ज्यादा आरबीसीज की रिक्वायरमेंट होती है. वो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ता है और वो ऑक्सीजन कैरी करके उस मसल मास को बचाता है. जैसे मैंने बताया था, मसल इज अ एक्टिव टिश्यू मेटाबॉलिकली एंड फैट इज अ डेड टिश्यू मेटाबॉलिकली. आप जितना ज्यादा बोन मैरो आपका एक्टिव होगा उतना आरबीसी प्रोड्यूस करेगी एंड आपका ब्लड थिक हो जाएगा. ऑब्वियसली दे डू हैवी लिफ्टिंग, दे गो फॉर द पंप एंड देन द वैस्कुलैरिटी इंक्रीज. क्या अगर हम इसका तोड़ निकाल सकते हैं, कोई ऐसा तोड़ कि नेचुरली हम अपनी बोन मैरो को स्टिमुलेट कर सके मोर आरबीसी प्रोड्यूस करने के लिए, बट स्टे विद इन द हेल्दी रेंज विच इज द 17 ग्राम पर नैनोलीटर और डेसीलीटर, आई एम नॉट श्योर, प्लीज गो एंड चेक द वैल्यूज. यूजली मेरा, मैं हर 6 मंथ्स में फुल बॉडी चेकअप कराता हूँ अपना, सो मेरा हायर लेवल पे ही रहता है. फॉर मेल्स द एवरेज वैल्यू इज, डोंट कोट मी ऑन दिस, आई थिंक इट शुड बी अराउंड 17 to 17.5. फॉर फीमेल्स आई एम नॉट श्योर द वैल्यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज आप चेक कर लीजिए गूगल पे. सो मेरा हमेशा 17, 16.9, 17.1, 17.2 भी जाता है, बट ठीक है, वो उतना चलता है. सो माय हीमोग्लोबिन इज इन ऑन दैट लेवल, सो आई एम ब्लेस्ड विद वैस्कुलैरिटी. मैं चाहे ऑफ सीजन हो चाहे ऑन सीजन हो, मेरी वैस्कुलैरिटी हमेशा ही अच्छी रहती है. सो पीपल आस्क मी जनरली कि आप वैस्कुलैरिटी के लिए क्या करते हो. सर, आई वांट टू टेल यू टुडे, जेनेटिक्स आल्सो प्ले अ रोल, सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद गुड जेनेटिक्स. अब बात करते हैं गाइस एक और, आई कैन नॉट कॉल इट अ सप्लीमेंट, इट्स कॉल्ड एरिथ्रोपोर्टिन बोलते हैं उसको. दिस इज अ वेरी कॉमन सप्लीमेंट, इट्स नॉट अ सप्लीमेंट एक्चुअली, यू नो व्हाट आई मीन. इट्स वेरी कॉमन विद साइक्लिस्ट एंड रनर्स, दे प्ले एंड्योरेंस स्पोर्ट, उनको भी बहुत ज्यादा आरबीसीज की रिक्वायरमेंट होती है. ऑल्सो बॉडी बिल्डर्स हु कम्पीट बैक स्टेज में, जैसे एक दिन पहले जस्ट पोजिंग के पहले उनको बोला जाता है कि एरिथ्रो लो. बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो सामान लेते हैं उनको पता है, उनको नाम 99% ऑफ द पीपल डोंट नो द नेम ऑफ दैट. इट लुक्स लाइक वाटर, इट इज क्रिस्टल क्लियर लिक्विड एंड उसको दे टेक इट इंट्रामस्कुलरली और इंट्रावेनसली एंड दैट इंक्रीजेस योर वैस्कुलैरिटी अ लॉट. दैट इज नथिंग बट एरिथ्रो. जैसे मैंने बताया था, एरिथ्रो क्या करता है, बोन मैरो को सिग्नल भेजता है आरबीसीज प्रोड्यूस करने के लिए. सो नाउ वी कम टू आवर मेन थिंग, हम कैसे नेचुरली उस चीज को मिमिक कर सकते हैं अपनी वैस्कुलैरिटी बढ़ाने के लिए. गाइस, ये इतना बेहतरीन तरीका है और इतना आसान तरीका है और ₹0 भी नहीं, आपको कुछ मिलेगा. मतलब जीरो नहीं, आप कमा सकते, कमाना इज रॉन्ग वर्ड, बट आपको बहुत कुछ मिलेगा. आपको लोगों की दुआएं भी मिलेंगी, आपको खाने पीने का सामान भी मिलेगा, सब फ्री में. सो वो तरीका क्या है? वो तरीका है ब्लड डोनेशन. यस, ब्लड डोनेशन जब आप करते हैं, पहली बात तो ब्लड डोनेशन इज वेरी हेल्दी. जो लोग सोचते हैं कि ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, ब्लड डोनेशन इज वेरी वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी, फॉर यू, एंड यू कैन डू इट एवरी 3 to 4 months. मैं साल में 2 ब्लड डोनेशन करता हूँ, मैं करने ही वाला हूँ बिकॉज इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर. मुझे 6 महीने हो गए, दैट्स वाई आई थॉट टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज, कि मैं शेयर करूँ आपके साथ. ब्लड डोनेशन इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाइए, वहाँ पे वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन करिए. मैं बताता हूं कि ब्लड डोनेशन से आपकी वैस्कुलैरिटी कैसे बढ़ेगी. आपको अपने बोन मैरो को ट्रिगर करना है टू प्रोड्यूस मोर सेल्स. ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड व्हाट से अदर प्लेटलेट्स. हमें आरबीसीज से ज्यादा मतलब है बिकॉज हमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है ब्लड की. उससे आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, जिम में आप अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. सो गाइस, जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी किडनी वो सेंस कर लेती है कि आपकी ब्लड की सेल्स जो है कम हो रहे हैं. सो किडनीज रिलीज अ सीरम प्रोटीन कॉल्ड एरिथ्रोपोर्टिन, जो कि सेम होता है जो लोग एज अ ड्रग यूज करते हैं कॉम्पिटिशन के पहले, और बहुत साइक्लिस्ट रनर्स भी, बहुत सारे स्पोर्ट्स में उसको यूज किया जाता है. सो किडनीज प्रोड्यूस दैट प्रोटीन, सीरम प्रोटीन कॉल्ड एरिथ्रो, एंड देन एरिथ्रो अपना काम वैसे ही करता है, आपके ट्रिगर करता है बोन मैरो को टू प्रोड्यूस मोर आरबीसी. जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं, प्लीज ध्यान में रखिए 24 घंटे तक हैवी वर्कआउट ना करें. फॉर दैट पर्टिकुलर डे यू कैन गो एंड आई वुड प्रेफर डोंट वर्कआउट, बट आपको करना ही करना है. आप कार्डियो कर लीजिए, बहुत लाइट वेट से कर लीजिए, एक दिन नहीं करेंगे रेस्ट, जिस दिन आपका रेस्ट दे उस दिन डोनेट कराइए, एंड देन जस्ट 24 आवर्स रेस्ट एंड देन यू आर गुड टू गो फ्रॉम नेक्स्ट डे. आपका जो है जितने भी आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज की जो सेल्स की लाइफ होती है 120 डेज की होती है, सो आपके सारे पुराने आरबीसीज निकल जाते हैं और आपके बॉडी में नए आरबीसीज बनते हैं एंड दे वर्क मोर एफिशिएंटली, और आपका ज्यादा बॉडी बनाती है. जिनका
हीमोग्लोबिन लो रहता है, लो इन द सेंस डेंजरसली लो नहीं, अगर आपका लिमिट से लो है तो प्लीज डोंट डोनेट ब्लड, आपका ब्लड लिया भी नहीं जाएगा। के साथ साथ जब आप ब्लड डोनेट करते हैं आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना है, आपने पालक ज्यादा खानी है, आपने हरे मटर ज्यादा खाना है बिकॉज इसमें आयरन होता है दैट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसीज, एंड आपने विटामिन सी लेना है जो मैंने पहले ही बताया था सप्लीमेंट्स में, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से उनको पता होगा, आपने फोलिक एसिड लेना है, आपने बनाना एटलीस्ट हैव वन बनाना अ डे फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स, क्योंकि इन सब चीजों से क्या होगा कि आपका ब्लड वॉल्यूम और बढ़ेगा और आपके फ्रेश आरबीसीज होंगे, जो आरबीसीज बनेंगे उनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा होगी एंड दे विल कैरी मच मोर ऑक्सीजन, और आपको डबल बेनिफिट है, वैस्कुलरिटी तो आई भी आएगी आपकी, प्लस यू विल शटल मच मोर न्यूट्रिएंट्स इन योर मसल सेल, और इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा, इस आप किसी की जान बचा रहे हैं। वैस्कुलरिटी वैस्कुलरिटी तो अपनी जगह है, जब ब्लड डोनेट करके आएंगे ना मेरी मान के देखिएगा, यहाँ हाथ लगा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है नेक काम करके गाइस, किसी की मदद करके और सेल्फलेसली आप वॉलंटियर ब्लड डोनेशन करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके अलावा आपका फ्री फंड में फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा, ये सीक्रेट है, बहुत लोग इसको रियलाइज नहीं करते, आपके कितने सारे टेस्ट हो जाते हैं, आपका HIV टेस्ट हो जाता है, HBS टेस्ट हो जाता है, HCV टेस्ट हो जाता है, मलेरिया टेस्ट हो जाता है, हेपेटाइटिस टेस्ट हो जाता है, बहुत सारे टेस्ट आपके हो जाते हैं गाइस फ्री फंड में, बिकॉज जब आप ब्लड देते हैं उसके बाद ये सब टेस्टिंग होती है, अगर आपके ब्लड खराब पाया जाता है तो वो आपको कॉल करते हैं और आपका ब्लड रिफ्यूज कर दिया जाता है, और ऑब्वियसली देन यू कैन नॉट डोनेट। आपका हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, आपका लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में आ जाता है, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे गाइस, एंड मैं करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है सरकारी अस्पतालों में ब्लड की कमी से बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ जाती है। सो अगर मेरा वीडियो देख के आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, सो आई वुड इनकरेज एवरी वन ऑफ यू अपने लोकल सरकारी अस्पताल में जाएं या ब्लड डोनेशन बैंक में जाएं एंड प्लीज डोनेट ब्लड, आपको डबल फायदा होगा गाइस। और उसके ऊपर अगर आपको नेचुरली और ज्यादा करना है, यू कैन हैव फूड्स व्हिच इज हाई इन नाइट्रेट्स, जितने भी प्री वर्कआउट्स होते हैं उसमें भी वही चीज होती है, सो फूड बीटरूट नंबर 1 एंड नंबर 2 पोमेग्रेनेट अनार, सो बीटरूट और अनार का जूस अगर आप पिएंगे ब्लड डोनेट करने के बाद लगातार 2-3 हफ्ते तक, एंड देन यू विल सी गाइस, यू विल फील द फ्रेशनेस, आपका मूड फ्रेश रहेगा, आप लाइट फील करेंगे एंड आपकी वैस्कुलरिटी में डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली आपका बॉडी फैट लेवल एक लिमिट में होना चाहिए। अगर मैं इस वीडियो के द्वारा 10-15 लोगों को भी मोटिवेट कर पाया हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, एंड ट्राई दिस, दिस रियली वर्क्स बिकॉज़ इट्स बैक्ड बाय साइंस। सो गाइस दैट वाज माय वीडियो अबाउट, सो गाइस ये था मेरा वीडियो आज का। हाउ यू कैन गेट वैस्कुलर इन 0 रुपीज, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, उल्टा आपको मिलेगा, आपको मिलेगी बहुत लोगों की दुआएं और साथ में एक फ्रूटी का पैकेट और एक पार्ले जी का पैकेट, बिग थम्स अप, थम्स अप के साथ साथ वीडियो को भी दीजिए थम्स अप और करिए सब्सक्राइब बिकॉज आई मेड सच क्यूट थिंग्स फॉर यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन टेक केयर, नमस्कार एंड आउट।